वर्ष 2005 तक मध्य प्रदेश में व्याप्त 12.6% कुपोषण किसी कलंक से कम नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुपोषण मुक्त भारत की संकल्पना को मध्य प्रदेश में साकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज प्रदेश के 97,135 आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्रतिदिन पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है। प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को आंगनवाड़ी केंद्रों पर सुपोषण दिवस मनाया जाता है। प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों को और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा एक अभिनव प्रयास एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसमें जन भागीदारी से अब तक 26,65,00,000 से अधिक का सहयोग प्राप्त हो चुका है। 49,900 आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिकाएं लगाई गई हैं। कुपोषण से लड़ाई में पोषण मटका कार्यक्रम जैसे नवाचार भी किए गए। मध्य प्रदेश में एक मटका कार्यक्रम हुआ, इसमें महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्र के लिए मुट्ठी भर अनाज लेकर आती हैं और इसी अनाज से शनिवार को बाल भोज का आयोजन होता है। इससे आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ने के साथ ही कुपोषण भी कम हुआ है। प्रदेश में कुपोषण उन्मूलन के लिए मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम संचालित है। मेरी बेटी जब पैदा हुई थी तो बहुत ही कमजोर थी, तो आंगनबाड़ी दीदी से मिली मैं, वो उन्होंने मुझको परामर्श दिया पोषण आहार यहाँ से लेके जाइए, हर मंगलवार को मेरी बेटी को खिला रही हूँ, जिससे वो आज तंदुरुस्त है, अच्छी है। मोदी जी और शिवराज भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में आज कुपोषण स्तर 12.6% से घटकर सिर्फ 6.5% रह गया है। बच्चे हमारे देश का भविष्य है और वर्तमान भी। आइए संकल्प करें, हमारे प्रदेश में हर बच्चा संपूर्ण स्वस्थ होगा। प्रदेश में कुपोषण के कलंक को जड़ से मिटाने के लिए मध्य प्रदेश प्रतिबद्ध है। विकास लगातार, मोदी जी शिवराज सरकार।